आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, इंदिरा गांधी के जमाने में क्या हुआ, यहाँ पे बच्चों को 355 बच्चों को हैदराबाद में गोली मार दिया गया था तेलंगाना अलहदा रियासत मांगने के ऊपर। बाद में कांग्रेस पीरियड में कंटिन्यूस जिद्दोजहद चला 15 साल, दिए क्या 2004 में देने का वादा था, 10 साल लेट करके 2014 में दिए, वो भी कब दिए, जब 2009 में केसीआर साहब बैठ गए थे फास्ट अंटिल डेथ, वो भी दिए वापस ले लिए। कितने सौ हमारे बच्चे उस कुर्बान हो गए, कितने बच्चे अपने शहीद हो गए, क्या भूल जाना है सब कुछ, भूल जाके वापस उनको वोट देना है, क्या धोखा खाना है, फिर दे के क्या करना है, वापस क्या करेंगे वो हमारे लिए। आप एक बार सोचिए, वो माइनॉरिटीज के बात करते थे 2004 to 2014, 2004 से 14 तक कांग्रेस का ही यहाँ पे हुकूमत था। कितने पैसे दिए 10 सालों में पूरे मुसलमान कौम को तेलंगाना का, 900 करोड़ दिए, 900 करोड़ दिए। लेकिन तेलंगाना बनने के बाद ये 10 सालों में 2014 से लेके आज तक सिर्फ 9.5 ईयर्स में हमने 13,000 करोड़ रुपए हमारे माइनॉरिटीज को दिया, और हम एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, तालीम के वास्ते इंतजाम कर रहे हैं, नौकरी के वास्ते इंतजाम कर रहे हैं, और हमारे हमारे मुसलमान भाइयों के स्ट्रेंथ के लिए, पैसे कमाने के वास्ते, बिजनेसेस के वास्ते इंतजाम कर रहे हैं, एक परमानेंट सॉल्यूशन, ताकि हम गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आएंगे बहुत लोग आएंगे, कांग्रेस पार्टी ने किसी एक पर्सन को टिकट दिया है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आके आपको बहुत अलग अलग बातें बताएंगे, आपको मजबूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मजबूर हो जाने के बाद 5 साल हमारा हालत क्या होगा एक बार देख लीजिए। पिछले 10 सालों में निजामाबाद कैसा था, आज कैसा बन गया। अगर आप रास्ते पे चलते हो, जो डिवाइडर देखो या पूरा लाइट्स देखो या झाड़ देखो, आपको कितना अच्छा लग रहा है, निजामाबाद नहीं हैदराबाद लग रहा है एक तरीके से, है कि नहीं लग रहा है, कि नहीं लग रहा है, दिखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और निजामाबाद में 10 सालों में कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ, कभी भी कम्युनल टेंशन हुआ, कभी भी पत्रे फेंके गए, कुछ नहीं हुआ ना, ऐसा ही रहना है या माहौल बदलना है इसका। फिजा खराब करने वाले बहुत लोग आएंगे, होशियार तो हमें रहना है, क्योंकि ये तेलंगाना नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारा आशिया है, और इसको बिगाड़ने के लिए लोग आएंगे और हम उनके ही जादू में फंस जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम ही मार खाएंगे, हम ही धोखा खा जाएंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस इलेक्शन को हल्के से मत लीजिए, बहुत सीरियसली लीजिए, गौर करिए, जो 10 साल का तरक्की चल रही है उस रफ्तार को रोकना है, उस पर ब्रेक डालना है या क्या करना है, आप सोच लीजिए। क्योंकि ये सिर्फ एक किसी पार्टी का ये नहीं है, केसीआर साहब ने अपने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, और वो अलग रियासत बनाना चाहते थे बना लिए, वो मुख्यमंत्री भी बन गए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बना दिए, उनका तो नाम लिखा गया ऑलरेडी तारीख में, लेकिन आज भी वो क्यों मेहनत करते हैं, क्यों खून पसीना बहाते हैं केसीआर साहब, हम सबके लिए करते हैं, हम सबके लिए करते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि केसीआर साहब को मैं सुन रही हूं, बहुत छोटे कद के लोग, बहुत ही छोटे कद के लोग अलग अलग तरीके के गाली केसीआर साहब को दे रहे हैं। ठीक है, एक बार एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि हम केसीआर साहब को वोट नहीं देंगे, क्यों नहीं देना साहब केसीआर साहब को वोट, क्या बिगाड़े वो आपका, कुछ खराब करे, तेलंगाना का नाम खराब करे, जब से रियासत बना इनको अव्वल नंबर पे बना के रखे है ना, पूरे मुल्क में सब में नंबर वन है हम तेलंगाना, कभी आपसे अलहदा व्यवहार हुआ है इस राज में, इस रियासत में, क्यों नहीं देना है देखिए वोट केसीआर साहब को। किसी एक पार्टी में कोई एक आदमी आज लड़ रहा होगा, लेकिन अगर हम समझेंगे कि ये हमारा भाई है, बंधु है, इसको वोट देना है, तो हम मार खा जाएंगे, आप ये जरा सोच लीजिए। और बीजेपी वाले, उनका तो हमेशा चलता ही रहता है कोशिश, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी आने दीजिए, अमित शाह आने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल आए थे अमित शाह, बहुत झूठ बोल के गए, वो तो जुमले के बादशाह है, कुछ भी बोलते हैं, इलेक्शन हो जाने के बाद इमीडिएटली बात पलट देते हैं। 10 साल पहले भी बोले थे सबको 15-15 लाख देंगे, और इतने बेशरम वो पार्टी है। फिर बाद में किसी पत्रकार ने पूछा उनसे, सही में
किसी पत्रकार ने उनको इलेक्शन के बाद पूछा कि अमित शाह जी आपने इलेक्शन में कहा था कि हर एक गरीब आदमी के जेब में आप 15 लाख डालेंगे, साफ सीधा उन्होंने बोल दिया, अरे इलेक्शन में 1000 बोलते हुए क्यों करते, वो तो जुमला था। तो ऐसा नियत है बीजेपी पार्टी का, लेकिन बीआरएस पार्टी ने हमेशा से जो भी कहा है वो किया है, जो भी कहा है वो करने की कोशिश किया है, और जब भी कुछ कभी कुछ कर नहीं पाए तो भी हमने अपने लोगों से बोला कि ये हमसे नहीं हो रहा है भाई, माफी मांगते, क्योंकि इतने सच्चे दिल के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हम आपसे इतना ही गुजारिश करते हैं, हमारे सारे भाइयों को बच्चियों के शादी पे पैसे दिए जा रहे हैं, ये पहले बार हुआ है हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में किसी मुसलमान भाई के घर में शादी होता है और गवर्नमेंट से सीधा सीधा पैसा आता है। हुआ है क्या एक बार आप सोच लीजिए, सीधा पैसा मिलता है, बच्चों को पैसा मिलता है, बच्चा होने पे पैसे मिलते हैं, हर एक चीज के लिए पैसा मिलता है। तो ये सारे चीज आप एक बार सोच लीजिए, इस बहुत सारे इश्यूज है सोचने के लिए, लेकिन ये सोचने का वक्त है, ईजी लेने का वक्त नहीं, सोचने का वक्त है। बहुत लोग बोल रहे बीजेपी को एड्ज है, कांग्रेस को एड्ज है, मैंने तो एक ही बात कहा है, यहाँ एड्ज किसी को नहीं है, बिल्कुल बीआरएस पार्टी को है, क्योंकि मुझे भरोसा है हमारे मुसलमान भाइयों पे, हमें भरोसा है हमारे क्रिश्चियन भाइयों पे, हमें भरोसा है हमारे हिंदू भाइयों पे, क्योंकि हम सब लोग मिलके निजामाबाद को, तेलंगाना को महफूज बना के एक अमन और चैन का माहौल हमने बनाया है। हमारे फिजा बिगाड़ने को आने वाले जो भी हो उनको हमें माफ नहीं करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उनके जाल में मत फंसिए। कांग्रेस अपना सगा भाई कोई नहीं है, कांग्रेस से हमें कभी कुछ फायदा नहीं मिला है, आपको फायदा मिला है तो बिल्कुल बीआरएस से मिला है, गणेश भाई से मिला है, गणेश भाई ने जैसा मेजॉरिटी में डेवलपमेंट किया उसी तरीके से माइनॉरिटी एरियाज में भी डेवलप करे। हम कुछ अलहदा व्यवहार किसी के साथ कभी भी नहीं करे, ना निजामाबाद में करे ना तेलंगाना में करे, और नहीं करेंगे कभी भी। और केसीआर साहब ने साफ साफ ये कहा था कि जब तक बीआरएस पार्टी है तेलंगाना में तब तक एक सेक्युलर रियासत बन के रहेगा, एक ट्रू सेक्युलर रियासत बन के रहेगा, और हम सबके साथ चाहेंगे। కొంతమంది వెనకాల తెలుగు తెలుగు వచ్చిన అన్నదమ్ములు అంటున్నారు, తెలుగులో మాట్లాడక్క అని చెప్పి వచ్చేటప్పుడు మీ అందరికీ నమస్కారం. మరి మనం ఆటో నగర్లో ఇవాళ పెట్టుకున్న మీటింగ్కి ఇంత లేట్ అయినా వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని పనులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చి మొసలి కన్నీరు కాల్చేటటువంటి పార్టీలు చాలామంది ఉన్నారు, ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటున్నారు. ఒక్క ఛాన్స్ ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఇస్తే పాపం అని ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే పామును మెడలేసుకున్నట్టే తప్పితే ఇంకోటి ఏమీ లేదు. వాళ్ళు మనను ఉల్టా కుట్టుడు తప్పితే వాళ్ళు మంచి పని చేసేది లేదు. మీ అందరితో రిక్వెస్ట్ ఒకటే, మీతో ఉన్నటువంటి పార్టీ, మీకోసం ఉన్నటువంటి పార్టీ, మీకోసం ఉన్నటువంటి నాయకుడు గణేష్ గుప్తా గారికి కారు గుర్తు మీద ఓటేసి గెలిపించండి. మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున డెవలప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై తెలంగాణ.